देखिए, जो जो जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे थे। उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, वो कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। सर कितनी देर का इंस्पेक्शन रहा? हम देख रहे थे कि आपसे लगातार बात करते हैं, डीआईजी सर से बात करते हैं, एसपी सर से और एडीएम सर, क्या कुछ रहा ओवरऑल? आपने क्या कुछ ब्रीफ का थोड़ा बहुत अगर बता सके कितना? देखिए, उसमें क्या है कि अब मान जो जांच आयोग है वो अपनी दिशा क्या तय करता है और किस उद्देश्य से करता है तो हमें नहीं पता। हमसे जो जो भी उस दिन की घटना के सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब हम दे रहे थे। उन्होंने बाकी लोगों से भी बात की, उनसे भी उन्होंने जो कहा और उन्होंने उसको सुना। जो स्ट्रक्चर पे भी विजिट किया, उन्होंने मस्जिद कमेटी के जो मेंबर वहाँ मौजूद थे, नायब सदर थे, उनसे भी बात की। तो हमें जिससे जो सवाल हुआ हमने उसका जवाब दिया। सर शाही जामा मस्जिद जो विवाद का मुख्य है उसका भी पूरा निरीक्षण करा, वहाँ पे भी गए थे, अंदर क्या कुछ हुआ निरीक्षण के दौरान जब सर गए थे, क्या उन्होंने पूरी मस्जिद देखी या क्या कुछ रहा अंदर? उन्होंने स्ट्रक्चर का भ्रमण किया, उसके सभी दरवाजे देखे, जहाँ उसकी एंट्री एग्जिट थी वो देखे। अब उसके बाद उन्होंने किस उद्देश्य से देखा, क्या किया, उन्होंने तो हमसे तो कुछ शेयर नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ मस्जिद कमेटी से थोड़ी देर बात भी की, जो उन्होंने बताया उसको उन्होंने सुना भी। जो किस उद्देश्य से किया ये तो मैं नहीं कह सकता, पर उन्होंने देखा। तो सेंसिटिव मैटर है, नेक्स्ट विजिट कब होगी कमेटी की? दूसरा, कितने अरेस्ट हुए और अभी क्या कितने अरेस्ट और होने हैं, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये इसमें जो जांच आयोग का भ्रमण था जो हमें बताया गया वो सिर्फ घटनास्थल का विजिट करने के लिए था। जांच आयोग की एक कार्यविधि होती है, उसके अनुरूप वो बाद में कार्य करेंगे, उसका एक प्रोसेस होता है, तो निश्चित रूप से बाद में करेंगे। अभी तो तत्काल उनका बस यही था, हमको जो निर्देश मिला था कि घटनास्थल का विजिट करना चाहते हैं, उसके चारों तरफ के सराउंडिंग एरिया का उन्होंने किया। जहां तक गिरफ्तारियों की बात है, अभी भी गिरफ्तारियां जितना हमने पहले बताया 30 के 30 हैं और पहचान करने का एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है, वो बड़ी तेजी से चल रहा है। घटना के पीछे के लोगों को भी चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी आगे नहीं कोई की है, जैसा मैंने पहले दिन कहा था, जब तक हम एविडेंसेस से पुष्ट नहीं करते हमें गिरफ्तारियों की जल्दी नहीं है। और मूल जो ध्यान है हमारा, फोकस है, वो उन लोगों पर है जिन्होंने इसकी साजिश रची या जिन्होंने इसको प्लान किया। नुकसान का मूल्यांकन हो गया है सर? नुकसान का मूल्यांकन हुआ है, उसकी समीक्षा हो रही है, उसका एग्जामिनेशन होता है कि सही मूल्यांकन हुआ है कि नहीं, वो प्रोसेस चल रहा है, जल्दी ही वो भी पूरा कर लिया जाएगा। अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि कल संभल जो है कांग्रेस का डेलीगेशन आएगा, आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी, आने देंगे या बिल्कुल प्रतिबंध है 10 तारीख? जिलाधिकारी की तरफ से 10 तारीख तक प्रतिबंध है, 10 दिसंबर तक, क्योंकि आप देख रहे हैं स्थिति सामान्य हुई है, बहुत तेजी से सामान्य हुई है। पूरी तरह से अगर ये नॉर्मल सी हो जाए उसके बाद हम किसी को नहीं रोकेंगे और सभी लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि तब तक 10 तारीख तक वो भी ना आवे। उसके बाद जब भी कोई चाहेगा समीक्षा करने के बाद कोई भी आना चाहता है, कोई इशू नहीं। कोर्ट में जो आपने अरेस्ट करे उन लोगों को पेश करे सर, क्या कुछ सारे सबूत वगैरह आप लोग साक्ष्य दिए हैं सर, क्या कुछ रहा? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और जब जरूरत होगी उनको रिमांड पर भी लेंगे। हम कोर्ट के सामने सारे कागजात भी प्रस्तुत कर रहे हैं, हम इसमें पूरी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य ये भी है कि कोई निर्दोष फंसने ना पावे। लोग वैसे तो पुलिस के पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नाम लेके लोगों से सहयोग मिल रहा है, लेकिन हम इस बात और लोग बता रहे होंगे, हो सकता है सही बता रहे हों, पर हम फिर भी विजिलेंट हैं इस बारे में कि कहीं कोई किसी को गलत तरीके से नामित न कर दे, क्योंकि कई बार इसमें लोग मौके का फायदा उठा के अपने जो राइवलरी है उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं, ये अनुभव रहा है। इसलिए हम जो भी जानकारी मिल रही है उसको अन्य साक्ष्यों से पुष्ट जरूर कर रहे हैं।